रोज के देखना है बात दूसरा है कि नहीं सर ये टूटने की पुराने जो है वो है ये जो वो नए जो है ना व्हाइट है ये बाद में आए जो है ये जो है मिनिस्टर साहब भी जाते अभी नहीं करना कुछ मुफ्ता सर ये जगह के अंदर इस्तेमाल करना है ये अच्छा बहुत अच्छा ये काम कर रहा है ना वली सिंह पर बादशाह है तो मेरी अपनी अकीदत है ये जो है खबर के वास्ते करना पड़ा ना नहीं बीच में कट पर छोड़ा ही रखिए उसके हिसाब से अगर बीच में काट के लगाए इधर तो अब क्या हो रहा है वहाँ के प्रक्रिया में नवल भाई अगर वर्क शुरू भी होगा ना तो में इसको भी यहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा कोई चीज़ दिखनी पड़ती तो नहीं है लगा कि घेरे यहाँ पर जो जी साहब आज हम ये मक्का मस्जिद का दौरा रेगुलर विजिट के तौर पे किए हैं हमको आते जाते रहना पड़ता है यहाँ पर जो ज़रूरियात है उसकी देखभाल के सिलसिले में चूँकि ये गर्मा का मौसम है और रमज़ान भी आमद आमद है बारिश का सीज़न आने वाला है क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो देखने के लिए आए थे हमारे एडिशनल DCP साहब बाबू राव साहब ने एक तख्त आइडेंटिफाई किया है जो कि सईदाबाद में संतोष नगर में हजरत बरहाने शाह साहब की दरगाह में पड़ा हुआ है उसकी कोई देखभाल करने वाले नहीं है नहायत ही खूबसूरत पत्थर का बना हुआ तख्त है क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तख्त अवेलेबल हैं तो उसको भी यहीं पर ला के रखने का इरादा है ये उमूर मजहबी HES निज़ाम ट्रस्ट के तहत में है उन्होंने अपनी तरफ से लिखित रूप में हमको इजाज़त दे दी है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाके यहाँ रख सकते हैं तो इरादा ये है कि वो बेहतरीन खूबसूरत तख्त को लाके इन तख्तों के साथ में रखने का इरादा है इसके अलावा गर्मा के लिए यहाँ पर मटेरियल की ज़रूरत है जानवाज़ों की ज़रूरत है और पानी की सफाई का इंतज़ाम की ज़रूरत है सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है उसके बाद मुआयना किया गया उसके कुछ फ़ैसले लिए गए इसके अलावा हमारी जो जानमाज है मक्का मस्जिद के अंदर जानमाज भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो इसको भी बदलने के सिलसिले में
کاروائی کی جائے گی آگے ان شاء اللہ تعالیٰ. کوشش یہ رہے گی کہ رمضان سے پہلے اس کو بدل دیا جائے. وضو خانے کے لیے چوکیاں رکھنے کا ہم نے سوچا ہے, کیونکہ وضو خانے کے اطراف میں آرام سے بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے سہولت نہیں ہے, تو جیسی چوکیاں شاہی مسجد باغیام میں اویلیبل ہیں اسی طرح کی چوکیاں بنانے کا ارادہ ہے. ہم نے کسی کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. کوشش یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے وہ چوکیاں یہاں پر مہیا کر دی جائیں گی. تزئین نو بتا مکہ مسجد کی تزئین نو اور اس کی جو ہیریٹیج بلڈنگ ہے اس کی ریپیئر کے سلسلے میں, چونکہ 400 سالہ 500 سالہ پرانا بلڈنگ ہے اس کو ریپیئر کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے, تو حکومت کی جانب سے آنریبل چیف منسٹر نے 8,48,00,000 روپے کا پروجیکٹ منظور کیا ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر جو چیز کی ضرورت ہو وہ تمام چیزوں کا انتظام کیا جائے. تو اس پروگرام کے تحت ہم نے مکہ مسجد کی چھت کے ریپیئر اور یہاں پر کی تمام ضروریات کی چیزوں کو مہیا کرنا, جیسے کہ لائٹ, الیکٹریسٹی, وائرنگ, واٹر سپلائی, ڈرینیج, ان بلڈنگوں کی ریپیئرنگ, یہاں کا ساؤنڈ